फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रैंक चार्ट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि रैंक चार्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। फार्मूला में हमें तीन पॉइंट निकालना पड़ता है। ठीक है, सेंट्रल कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। ठीक है, सेंट्रल कंट्रोल लिमिट को हम आर बार से डिनोट करते हैं, ये होता है रेंज का मीन। ठीक है, अपर कंट्रोल लिमिट को निकालने के लिए यहाँ पे रेंज का मीन आता है, उसके बाद 1+3D3 डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे एक और करके भी फार्मूला होता है, इस फार्मूले से भी हम अपर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे लोअर कंट्रोल लिमिट में यहाँ पे ये फार्मूला यूज होता है और ये फार्मूला यूज होता है। ठीक है, इसमें भी हम दो टाइप के फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे आर मतलब कि रेंज का मीन निकालने के लिए फार्मूला होता है सम ऑफ रेंज डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा निकलता है आर का मीन मतलब कि रेंज का मीन। ठीक है, चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इसमें देखो बोला गया है रेंज चार्ट ड्रॉ करने के लिए इस डेटा सेट से। ठीक है, तो देखो इसमें सैंपल दिया है और रेंज दिया है। ठीक है, सैंपल की वैल्यू ये है और रेंज की वैल्यू ये है। ठीक है, और देखो इसमें दिया है D2 की वैल्यू इतना है 2.326 और D3 की वैल्यू है 0.864। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले निकालेंगे रेंज का मीन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आर बार। ठीक है, तो सम ऑफ रेंज डिवाइड बटा नंबर ऑफ रेंज से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो सम ऑफ रेंज मतलब कि ये वाला जो वैल्यू है इन सभी वैल्यू को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐड किया तो 58 आया, डिवाइड किया 10 से। 10 हमारा है नंबर ऑफ रेंज। ठीक है, नंबर ऑफ रेंज देखो हमारे पास 10 है। ठीक है, तो हम यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 5.8। ठीक है, तो यहाँ पे आर बार की वैल्यू होगा मेरा 5.8 मतलब कि रेंज का मीन होगा 5.8। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट पॉइंट निकालेंगे सेंट्रल लिमिट। ठीक है, सेंट्रल लिमिट को हम आर बार से डिनोट करते हैं मतलब कि ये फार्मूला होता है हमारा, तो आर बार की वैल्यू है मेरा 5.8। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा सेंट्रल लिमिट होगा 5.8। ठीक है, यहाँ से मेरा फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट होता है। अब हम सेकेंड स्टेप कम्प्लीट करेंगे अपर सेंट्रल लिमिट। ठीक है, UCL का हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, इसमें मैं वैल्यू रखूँगा, देखो आर बार की वैल्यू है मतलब कि रेंज का मीन का वैल्यू है मेरा 5.8। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5.8 पुट करेंगे, बाकी यहाँ से D3 की वैल्यू और D2 की वैल्यू फार्मूले में पुट करेंगे यहाँ से टेबल से। ठीक है, मेरा अपर कंट्रोल लिमिट का वैल्यू आएगा 12.26। ठीक है, अब थर्ड स्टेप का मैं ये फार्मूला यूज करूँगा, यहाँ पे आर का रेंज का मीन रखूँगा, यहाँ पे D3 का वैल्यू रखूँगा और D2 का वैल्यू रखूँगा। ठीक है, मैंने वैल्यू रखा, यहाँ पे देखो मेरा वैल्यू आएगा माइनस में 0.63। ठीक है, जो कि ये माइनस में वैल्यू है, तो माइनस वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं 0, तो यहाँ पे मेरा लोअर कंट्रोल लिमिट का वैल्यू बनेगा 0। ठीक है, फ्रेंड, रेंज चार्ट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचेंगे। तो देखो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच लिया। ठीक है, इधर होता है हमारा एक्स और इधर होता है एक्स डैश। ठीक है, ऊपर में होता है हमारा वाई और नीचे होता है हमारा वाई डैश। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स की जगह पे लिखूँगा हमारा सैंपल। ठीक है, देखो हमारा सैंपल पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सैंपल। ठीक है, तो देखो मैंने सैंपल लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 13 तक। ठीक है, लेकिन मेरा सैंपल है 10 तक ही। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा करके लिखा हूँ। अब देखो यहाँ पे जो होता है यहाँ पे होता है 0। ठीक है, तो फ्रेंड वाई लाइन पे मैं लिखूँगा रेंज की वैल्यू। ठीक है, तो देखो रेंज हमारा है यहाँ पे 5, 6, 5, 7, 7। ठीक है, तो मैं इनिशियल पॉइंट स्टार्ट करूँगा 1 से लेकर के मैं 12 तक रेंज लिखना शुरू करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अपर कंट्रोल लिमिट भी आ जाएगा और उसके बाद हमारा ये जो रेंज की वैल्यू है ये सभी वैल्यू भी इसके अंडर में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं यही लिखूँगा। तो फ्रेंड देखो मैंने यहाँ पे रेंज की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया और लिखना, और उसके बाद हमने यहाँ पे 13 तक लिखा। ठीक है, अपर कंट्रोल लिमिट का वैल्यू था 12.26। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 12 यहाँ पर है 12.26 मतलब कि 12 से थोड़ा सा आगे और 13 से थोड़ा सा नीचे, यहाँ से मेरा एक लाइन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक लाइन खींचूँगा और यह लाइन मेरा अपर कंट्रोल लिमिट होगा, इसको मैं लिखूँगा 12.26। ठीक है, अब देखो सेंट्रल कंट्रोल लिमिट जा था जो मेरा 5.8 था। ठीक है, तो 5.8 मतलब कि 5 से थोड़ा सा आगे और 6 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मान लो कि 5.8 होगा। ठीक है, तो इसके सामने से मैं एक लाइन खींचूँगा और मेरा ये होगा CL मतलब कि कंट्रोल लिमिट होगा 5.8। ठीक है, तो फ्रेंड मेरा लोअर कंट्रोल लिमिट 0 था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा एक्स जो है यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूँ तो यहाँ से एकदम एक्स के साथ जाएगा लाइन। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक्स को एज्यूम करता हूँ कि मेरा ये लोअर कंट्रोल लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 0 होगा लोअर कंट्रोल लिमिट। ठीक है, उसके बाद हम सैंपल को इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड ये जो मेरा सैंपल है इसको मैं एक्स एज्यूम किया, एक्स के लाइन पे लिखा हूँ तो ये मेरा एक्स होगा, और ये मैं रेंज को वाई लाइन पे लिखा हूँ तो ये मेरा वाई होगा। ठीक है, तो
तो अब मैं पॉइंट को ड्रॉ करूंगा अपने लाइन के ऊपर, ठीक है। तो एक्स पे हम देखूंगा, मैं देखूंगा 1 और वाई पे मैं जाऊंगा 5, ठीक है। तो 1.5 होगा जो मेरा ये एक बिंदु होगा, ठीक है। तो चलो मैं फ्रेंड देखो, एक्स पे मेरा 1 यहाँ पे है और वाई पे मेरा 5 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेरा पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा 1.5, ठीक है। ये पॉइंट मेरा होगा 1.5, ठीक है फ्रेंड। अब मेरा सेकेंड पॉइंट होगा, सैंपल मेरा 2 है और रेंज मेरा 6 है, ठीक है। तो मेरा सेकेंड पॉइंट बनेगा 2.6, मतलब कि एक्स पे मैं 2 देखूंगा और सिक्स पे वाई पे मैं 6 देखूंगा, ठीक है। फ्रेंड देखो, मैं एक्स पे 2 देख रहा हूँ और वाई पे मैं 6 देखूंगा, ठीक है। तो वाई पे 6 मेरा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट बनेगा, तो ये बनेगा मेरा पॉइंट 2.6, ठीक है। इसी टाइप से मैं अगला पॉइंट ये सब डिनोट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक लाइन से इसको मिला दूँगा, ठीक है। तो ये मेरा एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। इस ग्राफ को मैं बोलूँगा रेंज चार्ट, ठीक है। अब फ्रेंड देखो, ये जो सैंपल है, ये सैंपल जो है अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर में है, ठीक है। जैसे देखो, यहाँ पे अपर कंट्रोल लिमिट यहाँ पर है, ठीक है, और लोअर कंट्रोल लिमिट मेरा सबसे नीचे है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है, ये सभी इन दोनों लाइन के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ऑल सैंपल आर अंडर अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। इसलिए हमारा सैंपल क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। अगर ये बाहर जाता तो मेरा क्या होता, सैंपल रिजेक्ट होता, ठीक है। तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।